दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 एज ए सैलरीड पर्सन और एज ए पेंशनर बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको incometax.gov.in की साइट पर जाना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ अपना पैन नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन के लिए यहाँ टिक करना है और यहाँ अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू। इसके बाद आपका पेज खुल जाएगा, उसमें यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी या नाम होगा और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 जो कि हमें भरनी है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो यहाँ हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पेज पर सेलेक्ट में हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि 22-23 है और यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं तो यहाँ क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। हमें फॉर्म ITR 1 भरना है। फॉर्म ITR 1 कौन भर सकते हैं? जो कि इंडिया के रेजिडेंट हों और इनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो और उनकी इनकम सिर्फ सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन FD, डिविडेंड आदि से हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो, तो सिर्फ यही लोग ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम किसी और सोर्स से है तो आप इसको यहाँ पर जाकर अपना ITR फॉर्म दे सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। यहाँ प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ 3 स्टेप करने हैं। पहला है वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप प्रीफिल्ड। इसमें हमारे पास जो प्रीफिल्ड डाटा इनकम टैक्स साइट पर है उसको चेक करना है, अगर गलत है तो उसको ठीक कर देना है। उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी, फिर उसको जो हम भरेंगे उसको रिव्यू करके उसको चेक कर लेना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करके अपने रिटर्न को सबमिट कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमें ये बताना है कि हम ये रिटर्न क्यों भर रहे हैं, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हम ये रिटर्न भर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रीज़न में यही आता है, बाकी आप अपना रीज़न देख के यहाँ टिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड की है, आप उसको चेक करके कन्फर्म आपको करना है। उसके बाद वैलिडेट रिटर्न में 5 स्टेप हैं, जिसमें है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। हमें इन सबको बारी बारी चेक करके वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है। तो ये 5 चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, 5 स्टेप को हमें बारी बारी करना है। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारा नाम, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आधार वगैरह, इनको चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, तो अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना है, ये इसमें ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है या PSU के पेंशनर है या अदर पेंशनर है या अदर्स हैं, तो हमारे केस में अदर्स एप्लीकेबल है तो हम इसको अदर कर लें। आपका जो भी एप्लीकेबल हो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिटर्न जो है, क्योंकि हम 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं, तो हमें यहाँ 139(1) पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर कोई नया अकाउंट है तो हम ऐड कर सकते हैं और इनमें से एक को हमें रिफंड के लिए सिलेक्ट करना होगा, ये और ये अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म होगी, यहाँ कंफर्म लिखा हुआ आ गया है और हमारा सेकंड कॉलम ग्रॉस टोटल इनकम का ओपन हो गया है। तो इसमें ये 6,42,800 की हमारी इनकम प्रीफिल्ड है, हम इसको चेक करके वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इन क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर देंगे और इस क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें बाद में भी भरनी है तो इसको हम अभी कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाएगा। फर्स्ट कॉलम है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो है हमारी 8,15,000, ये जित प्री फील्ड है, तो इसको डिटेल देखने के लिए हम एडिट पर पहले क्लिक करेंगे। तो जब एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) हमारी 8,15,000 है, ये इसका ब्रेकअप है और वैल्यू एज ऑफ रिक्विजिट्स 17(2) में 0 है,
और प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी 73 में 0 है, इसको आप 71 यहाँ क्लिक करेंगे तो ये है कि आपको इसको अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई करना है। तो जो फॉर्म 16 है हम उस वहाँ से वेरीफाई करेंगे और AIS से वेरीफाई करना है, जो AIS में इंफॉर्मेशन है उससे भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास हमारा फॉर्म 16 होना चाहिए जो हमारे को एम्प्लॉयर ने दिया है, के पार्ट बी में जाकर हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम पहले चलते हैं फॉर्म 16 में। फॉर्म 16 का ये जो है पार्ट ए है, ये पार्ट ए में आपका TDS का डिटेल दिया होता है कि कितना TDS आपका सैलरी कितनी है और TDS उस पर कितना काटा है। इसमें टोटल TDS हमारा 16489 कटा है। इसके अलावा पार्ट बी में जाएंगे तो पार्ट बी में इनका पूरा डिटेल दिया हुआ होता है। पार्ट बी में यहाँ पर सैलरी एज पर 71 8,15,537 जो हमारे वहाँ पे आ रही है, 172 में 0 है, प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 73 0 है। तो टोटल हमारी सैलरी जो है 8,15,537 है और इसके नीचे जो HRA दिया है वो 1,66,631 दिया है और इसको लेस करने के बाद हमारी जो नेट सैलरी है वो 6,48,000 आ रही है, जिसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज जो है वो 5,98,905 है। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ हम इनकम टैक्स की साइट पर जाकर देखते हैं। ये हमारी जो है 17 मंथ में फॉर्म 16 में 8,15,537 आ रही है, सेम है, और HRA में 1,66,631 है। तो बाकी सब जीरो हैं, जो जीरो वाले हैं हम इनको LTA नहीं है हमारा, इसको हम डिलीट कर देंगे। ग्रेचुटी कुछ नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। इसके पेंशन भी कुछ नहीं है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये HRA में ये हमारा 1,66,000 है, इसको रहने देंगे। और जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है। तो नेट जो हमारी सैलरी है 5,98,906 हमारी ये फॉर्म 16 से टैली हो रही है। तो ये हमारी इनकम फॉर्म 16 से टैली हो रही है, तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। पर सैलरी हमें AIS से भी अपनी चेक करनी है तो हम AIS में जाएंगे। AIS में और 26 AS दोनों से हमें वेरीफाई करनी चाहिए, तो AIS से हम इसको चेक करेंगे। तो AIS हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सर्विसेज में जाएंगे और AIS यहाँ से पहले डाउनलोड करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि AIS की इंफॉर्मेशन कैसे डाउनलोड की जाती है और उसको अगर गलत है तो कैसे करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हम अभी प्रोसीड करेंगे तो AIS की साइट पर चले जाएंगे। तो AIS की साइट पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ इंस्ट्रक्शन और AIS दिया है, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है। तो यहाँ दो कॉलम खुल जाएंगे, एक है TIS और एक AIS। TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है जिसमें समरी दी होती है सारी इनकम की, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डिटेल दिया होता है। तो हम TIS से ही चेक कर लेंगे कि हमारी, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होगी। हमारी जो सैलरी यहाँ आ रही है 8,15,537 आ रही है, जो हमारे जो प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन है उससे टैली हो रही है। तो हम इसको कन्फर्म कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमारी फॉर्म 16 से भी टैली हो गई है और ये हमारे AIS से भी टैली हो गई है। तो अभी हम इसको फॉर्म 26 AS से भी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ 26 AS को ओपन करेंगे, यहाँ कंफर्म करेंगे। 26 AS कैसे डाउनलोड किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी यहाँ पर ये हम 26 AS ट्रेसिस की साइट पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम अपना ये 26 AS पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर डालेंगे और यहाँ HTML करेंगे और व्यू डाउनलोड कर लेंगे। तो जब हम इसको व्यू डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये डिटेल दिया हुआ है, परंतु इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है अभी सिर्फ ये 6 मंथ की दे रखी है। 6 मंथ में कोई टैक्स नहीं कटा है, इसलिए 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी है। तो हम ये जो
TDS है हमारा, ये हम अपना चेक कर लेंगे कि 16489 हमारा यहाँ कटा है। ये अपना जो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर ने दिया है उससे वेरीफाई एक बार कर लेंगे कि यहाँ पर 16489 हमारा TDS कटा है। तो ये हमारी सैलरी हमने AIS से और फॉर्म 16 से कंफर्म कर ली है जो कि बिल्कुल मैच कर रही है, तो हम यहाँ सेव करेंगे। अगर इसमें कहीं डिफरेंस होगा तो हम उसको यहाँ चेंज कर सकते हैं फिगर्स को, इसको सेव कर लेंगे। हमारा ये पहला पोर्शन इनकम फ्रॉम सैलरी अब कन्फर्म्ड हो गया है। उसके बाद सेकंड जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए जीरो है। अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, आपने कोई मकान किराए पर दिया हुआ है जिसका रेंट आता है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करके यहाँ ऐड कर लेंगे। इसमें अगर दो तरह के मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको सिर्फ जो बैंक से अगर लोन लिया है उसका 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट जो है अदर इनकम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा यहाँ कोई इंटरेस्ट है तो वो हम यहाँ पे 2 लाख रुपए तक यहाँ पर लिख देंगे। और अगर ये लेट आउट है तो लेट आउट में यहाँ पर जितना किराया हमारे पास आया है वो लिख देंगे, और कोई हमने टैक्सेस पे किए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे किया है तो वो यहाँ लिख देंगे। इसका टोटल वैल्यू ये लेस करके यहाँ आ जाएगी और 30% उसका जो है मेंटेनेंस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम इसमें कुछ नहीं भरेंगे तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नीचे जो कॉलम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके इंटरेस्ट आता है जो बैंक से, या इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है, हमारा जो FD का और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। तो जो हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम FD है वो है 11,405, और जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है वो है 32,489। इसको हम अपनी AIS से चेक करेंगे। तो हम AIS में जाएंगे तो AIS में जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 32,489 और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 11,405। ये दोनों फिगर हमारी AIS से टैली हो रही हैं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ये चेंज करना होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही ना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर आ जाएगी, इसको एडिट करके कर सकते हैं। पर हमारी ये सही है तो हम इसको एज इट इज़ सेव कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन सब फिल हो गई है। अब लास्ट जो है इसमें वो है एग्जम्प्ट इनकम। ये वो इनकम है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पर हमें रिपोर्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ देनी पड़ती है। जैसे कि हमारी की एग्रीकल्चर इनकम है या सेक्शन 10 की कुछ ये इनकम है, EF वगैरह जो रिसीव किया है, या कोई प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड वगैरह से हमें जो पेमेंट रिसीव हुई है, या जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पर हमारी ऐसी कोई इनकम नहीं है तो हम इसको नहीं भरेंगे और इसको फिर कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हमने उसको कंफर्म किया तो हमारा ये कॉलम कंफर्म लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है, और ये तीसरा कॉलम जो है टोटल डिडक्शन का ये खुल गया है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन, बट हमने कोई डोनेशन नहीं दिया है तो हम इसको यहाँ नो कर देंगे। इसी तरह आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये भी हमारा नहीं है, इसको भी कर देंगे। इसी तरह आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो ये भी हमारा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो उनको HRA नहीं मिलता और रेंट पे करते हैं, तो वो अपना यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन है ATC, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमारा प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, बच्चों की फीस या होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, और 5 साल के लिए टैक्स डिपॉजिट है या ELSS है, तो वो सब इसमें आता है। और 1.5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, हमने ऑलरेडी इसमें 1.5 लाख की सेविंग कर रखी है तो हम इसको यस कर देंगे। तो ये आपका पेंशन स्कीम में कोई अगर कंट्रीब्यूशन है तो हमारा नहीं है तो हम यहाँ नील कर देंगे। इसके अलावा जो ATD है मेडिकल इंश्योरेंस, अगर कोई है तो उसका डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा, हमारा नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। इसके अलावा सेक्शन 80E में अगर हमने कोई एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ एग्जम्प्टेड होता है, तो हम इसको, हमारा नहीं है, इसको भी नो करेंगे। तो जो सेक्शन 80TTA है उसमें सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड होता है, तो ये हमारा है 32,000 है तो हम इसको यस करेंगे। तो ये हमें ये TTA की रिटर्न भरनी पड़ेगी। आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन, तो नो करेंगे और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा पेज खुल जाएगा। इस पेज में
ये सभी हमारी नहीं है, सिर्फ TTA हमारा एप्लीकेबल है। तो ATTTA जो हमारा है इस पर हम क्लिक करेंगे और जितना हमारा है सेविंग का 32489489 भर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसमें से 10,000 का रिबेट हमें दे देगा। तो हम यहाँ इसको ऐड कर देंगे, तो हमने ये ऐड कर दिया है। और ये जो हमारा 1.5 लाख रुपया सेक्शन 80C में ऑलरेडी हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया है। ATTE में कुछ नहीं है, ATTE में जो हमने लिखा था उसमें से 10,000 का ये डिडक्शन मिला के टोटल 1,60,000 हो गया। तो हम इसको कन्फर्म कर देंगे, हमारा यहाँ टोटल डिडक्शन भी कन्फर्म्ड हो गया है और नेक्स्ट कॉलम टैक्स पेड खुल गया है। इस पर क्लिक करेंगे कन्फर्म करने के लिए। हमारा इसमें 26 AS में जो हमारी डिडक्शन आ रही थी वो आ रही थी 16,489। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 16489 है, तो ये दोनों टैली हो रहे हैं। तो कोई एडवांस टैक्स भी हमने जमा नहीं कराया है, ना ही हमारा कोई TCS है, तो हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। पांचवा कॉलम हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी खुल गया है, तो हम इस टैक्स लायबिलिटी पे जाएंगे। टैक्सेस का शेड्यूल खुल गया है, तो टैक्स जो पेड हैं उनका यहाँ पर डिटेल दिया है 16489। जो हमारा एम्प्लॉयर ने हमें फॉर्म 16 का पार्ट ए दिया है उसमें जाएंगे, उसे चेक करेंगे तो यहाँ पे 16489 आ रहा है। और ऊपर भी इसमें टोटल सैलरी हमारी 436004 और 16489, पर इसमें फर्स्ट क्वार्टर की सैलरी नहीं आ रही है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा कोई TDS नहीं कटा, इसलिए एम्प्लॉयर ने TDS रिटर्न में नहीं सबमिट किया है। पर हमारी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, तो वो हम AIS से चेक करके वो या फॉर्म 16 से चेक करके ठीक कर देंगे। पर टैक्स जो हमारा कटा है 16489 है, तो 16489 के लिए यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर 16489 है, तो टैक्स तो टैली हो रहा है। तो इसमें डिटेल देखते हैं, तो डिटेल में टैक्स TDS तो हमारा टोटल टैक्स डिडक्टेड जो है TDS हमारा 16489 बिल्कुल सही आ रहा है, पर सैलरी ठीक नहीं आ रही है सैलरी, क्योंकि हमारी जो फॉर्म 16 में है अंडर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दैट इज 598905 ITR में इसको सही भर देंगे। तो यहाँ पे पहले टिक करेंगे फिर इसको एडिट पे क्लिक, तो हमारा ये नया पेज खुल जाएगा। इसमें सैलरी जो है इसको हम जो हमारे फॉर्म 16 में दे रखी दी है 598905 ठीक यहाँ करेक्शन कर देंगे 598906, फिर यहाँ सेव कर लेंगे। और जब हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो गया और इसको हम अब कंफर्म कर देंगे। चारों कॉलम कंफर्म्ड हो चुके हैं, अब सिर्फ एक वजह है टोटल टैक्स लायबिलिटी का लास्ट कॉलम, तो हम इसको भी कंफर्म करेंगे। इसमें हमें कुछ भरना नहीं होता, सिर्फ चेक ही करना होता है कि सभी इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। तो हम इसमें जाएंगे, जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,42,800 थी, 1,60,000 हमारी टोटल डिडक्शन थी, तो नेट टोटल इनकम हमारी 4,82,800 आ गई है और उसमें 11,640 टैक्स बनता है। पर ये इनकम 5 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा 87A के अंडर 11,640 रुपये का रिबेट मिल जाएगा और नेट जो टैक्स है हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फिल हो गई है और टैक्स लायबिलिटी भी जीरो है, तो हम जो ये टैक्स पेड है इसका हमें रिफंड मिल जाएगा। तो हम यहाँ प्रोसीड करेंगे, तो जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 16,490 टू नियरेस्ट 10 रुपीज होता है, तो ये 490 कर दिया उन्होंने राउंड करके। फिर हम इसको प्रीव्यू करेंगे, क्लिक करते ही ये एक पेज खुल जाएगा। इसमें हमने यहाँ प्लेस ये नाम वगैरह ये सब भरा हुआ है, इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करने के बाद तो यहाँ नीचे आकर इसमें प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारी पूरी रिटर्न खुल जाएगी। ऊपर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि सिक्योरिटी रीजन के कारण हमने हाइड कर दी है। नीचे जाकर हम पूरी इन्फॉर्मेशन टोटल सैलरी में डिडक्शंस एंड रिफंड चेक करेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, अब वैलिडेट हो गई है हमारे ये दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें सिर्फ वेरीफाई करके सबमिट करना है। तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा है कि ई वेरीफाई नाउ
इट इज़ रिकमेंडेड और ई वी ए वेरीफाई लेटर, तो हम रिटर्न भरने के 120 दिन के अंदर अंदर भी हम इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं, या 120 दिन के अंदर अंदर इसका ITRV को प्रिंट करके बेंगलोर के एड्रेस पर भेज सकते हैं। पर हमें सबसे आसान तरीका यही है कि ई वेरीफाई नाउ। तो हम क्या है कि आधार के OTP या बैंक अकाउंट या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट से हम इसको कर सकते हैं। तो हम ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ई वेरीफाई करने का है कि आधार और OTP, जो मोबाइल आपका आधार से अटैच है उस पर OTP आएगा। तो यहाँ हम उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आई एग्री पे करके जनरेट OTP होगा। तो OTP जब जनरेट हो जाएगा तो ये इस तरह से एक 6 डिजिट का OTP आएगा आपके। उस OTP को आपको यहाँ भर देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। करते ही वेरीफाई हो जाएगा और ये रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो अब आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। यहाँ से हम अपनी रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने ये एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किया है, इसमें हम अपना चेक कर लेंगे। जो हमारी इनकम थी वही 4,82,800 आ रही है और रिफंड 16,490 बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारी ये रिटर्न फाइनली सबमिट हो गई है। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद ये रिफंड हमारे अकाउंट में आ जाए। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स और दूसरे ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट और एजुकेशनल वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। इसके साथ आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट हो तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। धन्यवाद।